आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। खबर गाजियाबाद से है, जहां एनडीए की राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचकर मुलाकात की। उसके बाद शाम 5 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के मतदान जारी है। रामपुर में बिलासपुर में भाजपा कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अपने गांव शिवनगर के बूथ पर अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का पर्व है, बढ़ चढ़ कर मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगा। ऐसा है, जनता जो है 5 साल के लिए चुनाव करती है और ये आज जो चुन के यहाँ पर जनता ने भेजा था, आजम खान साहब को भेजा था और उन्होंने जनता के साथ धोखा किया क्योंकि दोबारा चुनाव में आना पड़ा। तो जब दोबारा चुनाव में आ गया तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा 5 साल काम करती है और वो तैयार रहते हैं। जी जी। तो अब ये है कि भी का मन चुका है कि उपचुनाव जो है योगी जी के नेतृत्व में जीतना है। जी, तो अब आपको क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा? 100% कमल खिलेगा और आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बहुत अच्छी लीड। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में अच्छे अंकों से पास हुए बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मेधावी छात्रों को आगे की शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए उसके टिप्स भी दिए। वहीं लखनऊ की टॉपर पर्ल वर्मा से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की तो पर्ल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। वहीं पर्ल के परिवार वालों का कहना है कि हम सबकी मेहनत पर्ल की शिक्षा में लगी हुई थी और उसका एक बहुत ही शानदार नतीजा हमें आज मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हाई स्कूल और इंटर के पास बच्चों से मुलाकात करके उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर लखनऊ के मेधावी छात्रों से मुलाकात की। इस वक्त पल्ल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, टॉप किया है। पल्ल, सबसे पहले तो मैं आपकी मार्कशीट देखना चाहूंगा और अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इनकी मार्कशीट दिखाएं कि जिस तरह से इन्होंने जो अंक हासिल किए हैं वो अपने में ही अद्भुत हैं और लखनऊ की हैं ये। लखनऊ में कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं। हिंदी में 100 में से 100 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। एक विषय इंग्लिश में इन्होंने 96 नंबर पाए हैं, साइंस में 96 नंबर पाए हुए हैं। तो इस तरह से कई सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने 90+ मार्क्स जो है वो हासिल किए। हम इनसे बात करेंगे। पर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं। दूसरी चीज, आज आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई? जी, मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर बुलाया हमें। हमें बहुत खुशी हुई इस अवसर को प्राप्त करके। उन्होंने हमारी शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से ध्यान देना चाहिए और हमारी शिक्षा का जो महत्व है वो समझाया। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के साथ में किस तरीके से हमें खेलकूद को समय देना है, खान पान पर ध्यान रखना है और किस तरीके से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी बताया। अगर हमें आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो उसके लिए हमारे न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही लाइब्रेरी जाना उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। इन्हीं सब बातों को बताते हुए उन्होंने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया और प्रेरित किया कि हम आगे बढ़ते रहें। अच्छा, अब हाई स्कूल हो गया आपका, आगे की जो शिक्षा है इंटर की बात की जाए क्योंकि 10th के बाद इंटर पे ही सबसे ज्यादा फोकस रहता है, 12th पे फोकस रहता है। कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जो आपके मन में इस वक्त बने हुए हैं कि इन सब्जेक्ट से मुझे 12th करना है और उसके बाद आगे का क्या एम है आपका? जी, 12th तो मैं PCM से करूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और हिंदी इंग्लिश से। उसके बाद आगे मुझे ग्रेजुएशन BSc से करना है और फिर सिविल सर्विसेज में जाना है। अच्छा, इनके परिवार वाले भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप प्रिंसिपल हैं ये कॉलेज की जहाँ से इस बच्ची ने पास किया हुआ है। मैम, आपके स्कूल की इस बच्ची ने टॉप किया हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मेरे लिए गर्व की बात है और उससे ज्यादा गर्व की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को आमंत्रित किया, इन बच्चों से संवाद किया, एक फॉर्मल संवाद जो किया उससे मेरे बच्चे बहुत प्रोत्साहित हुए हैं कि आगे बढ़ने के लिए इनको जो प्रेरणा मिली है, जैसा इसने बताया, छोटे छोटे टिप्स दिए उन्होंने और जो जीवन के लिए जरूरी है वो बातें बताई, खास तौर से लाइब्रेरी के लिए बताया। वाकई पुस्तकें हमारे लिए जीवन के लिए
पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए प्रेरणा दी हमारे बच्चों को, और हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आगे भी इसी तरह से शायद वो संवाद करते रहेंगे, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। धन्यवाद। पटेल के माता पिता से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है, उनकी बेटी ने टॉप किया है। सर बहुत बहुत बधाई, आपकी बेटी ने टॉप किया है लखनऊ में हाईस्कूल की परीक्षा में, कैसा लग रहा है आज उनसे मुख्यमंत्री जी की मुलाकात? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमारी बेटी ने मतलब जो है लखनऊ टॉप किया है, और सबसे ज़्यादा तो ये है कि मुख्यमंत्री आवास पे सम्मानित किए गए हैं हम लोग, तो ये बेटी की वजह से हुआ है, हम लोगों को बहुत खुशी है, और मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे पूरे परिवार का सपोर्ट रहा है, हमारी दो ये तीन बेटियां हैं हमारी, तीनों साथ में, हमारी हमसे ज्यादा हमारी बेटियों ने सपोर्ट किया। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? जी बहुत। तो साफ तौर पर पूरा परिवार खुश है बेटी की सफलता पर, और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बच्चों से मुलाकात की है, ये टॉपर हैं पल वर्मा, और इनको आगे कैसे और बेहतर शिक्षा इनकी हो सकती है, इसके अलावा शिक्षा में जुड़े रहने के लिए और कौन कौन से प्रमुख कदम है जो ये उठाएं, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इनको काफी बातें जो है वो आज बताई गई। फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हो, और उसी वजह से इस बार जो हाईस्कूल और इंटर की जो परीक्षा परिणाम है वो काफी अच्छे आए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन पांडे। खबर पीलीभीत से, जहां श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में पलट गई, जिससे हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 10 लोग घायल हो गए। मौके पर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज। फरीदाबाद में महिला आयोग की चेयर पर्सन रेनू भाटिया ने आधुनिक तकनीकी सौंदर्य सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सेंटर की संचालिका प्रिया ठाकुर को बधाई देते हुए यह संदेश दिया कि महिला अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे बॉबी कटारिया ने भी प्रिया ठाकुर द्वारा फरीदाबाद में खोले गए पहले आधुनिक तकनीकी सौंदर्य सेंटर की सराहना करते हुए कहा कि नेहा ठाकुर की तरह हर महिला को बिजनेस के क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा सेंटर, मैंने सलोन नहीं लिखा, क्योंकि ये सिर्फ सलोन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोई मेकअप या कटिंग ही नहीं दी जाती, ये कुछ एडवांस है जिसके बारे में बताती हूँ आपको। फरीदाबाद में नया है अभी, शायद एक्सेप्टेंस मुझे नहीं पता, डर भी लग रहा है और उम्मीद भी है कि कुछ नया लाई हूँ तो आगे भी जाऊँगी। आज मैं बहुत हर्ष के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं सेक्टर 85 के इस शॉपिंग मॉल में पहुंची हूं, जहां पर प्रिया ठाकुर ने बहुत सुंदर एक SBPC नाम से एक यूनिसेक्स पार्लर खोला है, प्रोफेशनल्स करके इसने एक इंस्टीट्यूट खोला है, मैं इसे तहे दिल से बधाई देती हूं। खबर गाजियाबाद से है, जहां भोपुरा रोड पर 6 महीने से खुले गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, इसके चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब बारिश आती है तो गड्ढों के अंदर पानी नाली की तरह हो जाता है और रोड पर भर जाता है, जो कि किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। सर यहां पे जो है ये काम 6 महीने से, यहां से मुख्यमंत्री जो हमारे यूपी के वो निकल के यहां से गए थे, उसके बाद ये कार्य स्टार्ट हुआ था, और 6 महीने से ये गड्ढा जो है ऐसा के ऐसा ही है। यहाँ के जो अधिकारी हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और हमने कई बार इसकी शिकायत भी नगर निगम में की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर ये 6 महीने से खुदा हुआ है गड्ढा, इसको कोई करने के लिए नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है, पानी भर जाता है, कीचड़ होती है, हमारे काम धंधे ठप पड़े हैं, चलने फिरने में लोगों को परेशानी होती है, लोग गिर जाते हैं गड्ढे में, गाड़ी की गाड़ी गिर जाती है, और बतेरे मंत्री लोग भी आते हैं, नेता लोग भी आते हैं, इस रास्ते से कोई इसको ठीक नहीं करवा रहा है, और बल्कि उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया, दूसरे रास्ते से जाने लगे, इस रास्ते की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जो SIB यानी कि वाणिज्यकर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने मेटल कारोबारों के हाथ छापामारी किया। अफसरों की 6.5 घंटे की चली जांच में फर्म मालिक पर फर्जी फर्मों से खरीद दिखाकर 50 लाख रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC हड़पी है। SIB ने मौके पर मिले माल की खरीद बिक्री के दस्तावेज न दिखाने पर 20 लाख रुपए का माल सीज किया है।
मेडल जोन जांच की गई थी, उस जांच में इनके बहुत सारे गलत लेन देन करने के कारण इसको पाया गया था, उस आधार पर इनकी जाँच की गई। और जो दिल्ली पुलिस थी उसकी ITC भी जो है कि गलत तरीके से ले रहे थे, उसके कारण से इनकी जाँच की। तो कब से कर रहे थे, कोई जानकारी हो पाई क्या? एक साल से कर रहे थे। तो कितना क्या क्या चीज़ बरामद की है? क्या करीब 20 लाख का माल सीज किया गया है, इसके अलावा करीब 50 लाख की ITC जो है गड़बड़ पाई गई है, अन्य जो इनके पर्चे सीज किए गए हैं उसके आधार पर आगे की जाँच की जाएगी। खबर फरीदाबाद से, जहां पिछले कई महीनों से सीवर का गंदा पानी गलियों में भरा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पार्षद और विधायक कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसके चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। ये संत नगर है जी। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये पानी हर महीना भरता है, 2 महीना हो गए पानी भरे सीवर लाइन। किस चीज का पानी है ये? नालियों का पानी है सारा, गंदा सीवरों का। तो क्या दिक्कत आ रही है लोगों को? घरों तक गंदा पानी करते ही आते हैं। जब कंप्लेंट भी करी हमने कई बार, कहते हैं साफ है पानी निकल जाएगा 2 घंटे में, 4 घंटे में पानी निकलता, डेली 1 महीना हो गया सही, रास्ता बंद है बिल्कुल। किसकी लापरवाही मानते हो? सीवर का पानी लोगों घरों में जा रहा है, किसकी लापरवाही? कर्मचारी यही की है, सरकार की यही, ना कोई नगर निगम आता है, ना कोई कंप्लेंट्स वाला आते हैं, ना सफाई वाले आते हैं, कोई भी नहीं आता। कौन सा बाड़र, कौन इसके पार्षद है? ये छत्रपाल है जी। तो कभी आए मौके पर? कभी नहीं देखा हमने। ये 24 घंटे ऐसे पानी भरा रहता है, चैम्बरों को साफ ही न करके जाते। किस चीज का पानी है ये? चैम्बर भरे हुए सीवर का? सीवर का पानी है। तो घरों में जा रहा है? घरों में जा रहा है, दिनों रात फेंकते फेंकते परेशान। तो क्या दिक्कत आ रही है? बीमारी नहीं बढ़ रही इससे? क्यों नहीं बढ़ रही? बच्चे बीमार है, बुखार जा रहे, मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं कि दिनों रात मोर्टिन चलाते जाते, परेशान हो रहे हम। फर्रुखाबाद से है, जहां शहर के सुंदरीकरण के लिए लाए गए मास्टर प्लान 2031 के प्रारूप का शहर में विरोध लगातार जारी है। आज पूर्व सैनिकों ने बड़ी संख्या में मास्टर प्लान के प्रारूप के विरोध में ITI से तो भाजपा सांसद के आवास का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व सैनिक की सांसद प्रतिनिधि तीखी नोकझोंक भी हो गई। बता दें कि जिसके विरोध में पूर्व सैनिकों के द्वारा बीते दिनों DM को भी ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि अनूप मिश्रा के साथ पूर्व सैनिकों की तीखी नोकझोंक हुई। पूरा वाला 2031 तक जो है नक्शा इन्होंने प्लान किया, ये अवैध है और गलत है, उसके विषय में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। जो अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो इसमें हम ज़्यादातर एक सर्विस मैन हैं, हम लोगों ने अपने देश के लिए जो लड़ाई लड़ी है वहाँ पे एक इंच जमीन नहीं छोड़ी है, तो हम यहाँ मकान छोड़ के कैसे जाएंगे? जो अगर मकान बनना है तो बाद में हम लोगों की लाशों पे बनेंगे, मकान ऐसे नहीं टूटेंगे। ये बात हम लोग सांसद जी को भी बताई और आगे सरकार को भी बताना चाहते हैं, सरकार इस चीज़ को हल्के में ना ले। इसी के साथ मैं अपनी यहाँ पे मैं ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन अमृत महायोजना के अंतर्गत जो अपना पेवर और पंचाल घाट रोड को 60 मीटर लिया गया, एक रोड से बता रहे, एक तरफ से 60-60 मीटर लिया गया, तो उसके लोग आए कि 60 मीटर में तो पूरे एरिया साफ हो जाएगी। इनका कहना है कि 55 फुट लिया जाए। इस संबंध में बैठक होनी है, बैठक में हम लोग इन लोगों की बात रखेंगे। कानपुर के मदारपुर में फास्ट फूड की दुकान से माइक्रोनी खाने से 2 सगे भाइयों के हालात बिगड़ गई। वहीं परिजनों ने दोनों को हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये दोनों भाई ड्यूटी करते थे जाजमऊ में, जाजमऊ से ड्यूटी करके आए और ये माइक्रोनी बनाई गई है, तो इन्हीं दोनों लोगों ने खाया है पहले, और खाते खाते बस इनके तबीयत गड़बड़ होने लगी है। हम चले गए थे बारात में उधर जमुना पार, तो हमारे पास फोन गया, तो वहाँ से हम आ पाए 3 बजे। इसमें एक की डेथ हो गई है बता रहे हैं, ये बीमार है। हाँ, एक बीमार है, एक की डेथ हो गई है। इसकी हालत कैसी है? सुधार में हालत में सुधार ही नहीं है? कुछ सुधार है। खबर देवरिया से है, जहां युवक ने लव मैरिज करने के बाद प्रेमिका को साथ रखने से मना कर दिया, जिसके बाद युवती रोते विलखते थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और बताया कि युवक प्रेम के जाल में फंसा कर 1 साल तक मेरे साथ रहा और फिर घर वालों के कहने पर मुझे रखने से इनकार कर रहा है। मैंने इसकी सूचना 112 नंबर पर दी, लेकिन पुलिस ने पैसे लेकर उसे भगा दिया। मलवनी के हैं सर, आकाश कुमार नाम है, मेरा नाम अनु सिंह है। कितने साल से शादी हुआ था आपका? 3 साल हो गया सर।
शादी का कोई साक्ष्य है आपके पास? लव मैरिज का वीडियो है, वीडियो था और शादी का, हम लोग मंदिर में शादी किया उसका फोटो है सर, मगर अभी नहीं है सर, फिलहाल मेरे रूम पे है। अभी वो लड़का नहीं आपको रखना चाहता है? नहीं सर, और रखने के लिए कह रहा था, मगर ये पुलिस लोग बोल रहे हैं कि चलो बेटा तुम्हारा हम इंसाफ करेंगे, इंसाफ करते करते उसे हटा दिए हैं सर। आप क्या चाहती हैं? मैं भी अपना इंसाफ चाहती हूँ सर, नहीं तो नहीं मिलेगा सर तो अपना सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि उसके अलावा मेरा कोई है नहीं सर। मुरादाबाद क्षेत्र के मैनाठेर कोतवाली में लूट और डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसी घटनाएं रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें कि घटना मैनाठेर कोतवाली के कस्बा महमूदपुर माफी की है, जहां बदमाशों ने शादी के घर से लाखों रुपए का सामान लूट लिया और मौके से फरार हो गए। सोकर उठे परिवार को जब इसकी जानकारी हुई तब पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो आप कहाँ थे साहब? हम बाहर सो रहे हैं, बरामदे में सो रहे हैं और बाहर सो रहे हैं बिल्कुल। तो कितना माल चला गया आपका? माल तो कहना तेल की गई है और 50,000 के कम से कम, ना तो 80-90,000 के हार गए और 200 हारे 10,000 के हैं, 20,000 के हैं, 15,000 के हैं। शादी का प्रोग्राम था क्या आपका? बहू ना है कि घर हो, परसों मेरी शादी हुई है, शादी में 1,20,000 के हार आए थे और क्या नाम है, लगन में 80,000 रुपये नकदी कैश आया था और हमारी दीदी की चीज़ें थी और जीजा जी के पैसे थे, आधार कार्ड पैन कार्ड, जीजा जी के कपड़े बैग और सब। 8-10 आदमी आकर सर लूट मार करके ले गए, घर वाले सब बाहर सो रहे थे और हम सब दूसरे बीवी के कमरे में सो रहे थे और तेल वेल सब ले गए सब। तेल कितना था? तेल 60 किलो था सब मेहनत का। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।